महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। सांगली शहर तो पूरी तरह से समंदर में तब्दील हो चुका है, जहां सेना के जवान फरिश्ते बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं। हर तरफ पानी पानी, ऐसा लग रहा है मानो झील में शहर बस गया हो, कुछ भी नहीं बचा। सड़कें डूबी हुई हैं, दुकानें डूबी हुई हैं, घर डूबे हुए हैं। पहला फ्लोर डूबा हुआ है और ऊपर लोग फंसे हुए हैं। अब सड़कों पर गाड़ियों की जगह एनडीआरएफ की नावें तैर रही हैं। सेना के जवान सैलाब में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। महाराष्ट्र के सांगली में आसमान से ऐसी आफत बरसी कि पूरा शहर पानी में समा गया। हर कोई भगवान से यही मना रहा है कि अब बस और नहीं। प्रलयकारी बाढ़ में या तो भगवान का सहारा है या फिर सेना के जवानों का। सेना के जवान शहर शहर घूम घूम कर लोगों की मदद कर रहे हैं। कहीं बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है तो कहीं ऊपर मंजिलों पर अटके लोगों तक खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है। यमराज बने बाढ़ के बीच सेना के ये जवान ही देवदूत हैं। यहां पर जो हमें पहले देखने को मिला है कि जो बोट है जो पलटी हो गई थी, ये वो बोट है जिसके अंदर 30 के करीब जो लोग हैं ब्रह्मनाल के रहने वाले, वो सफ़र कर रहे थे, वो जा रहे थे और तब ये बोट पलटी हो गई थी जिसके अंदर 9 लोगों की मौत होने की जो दुखद खबर आई है। और अब ये जो बोट है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सांगली का मंजर काफी डराने वाला है। बाढ़ ने सब कुछ पाट दिया, ना अमीरी गरीबी का फर्क रहा और ना ही जात पात का। सैलाब का कहर हर किसी पर बरप रहा है, पूरा शहर पानी पानी है। लेकिन पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। कोल्हापुर का भी हाल बुरा है, कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। कर्नूल में हर तरफ पानी है, लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। घर डूब रहा है, निकलने का कोई साधन नहीं है। घर में ना खाना है ना ही पीने का पानी, बिजली भी नहीं है। 1983 के बाद लोगों ने ऐसी तबाही नहीं देखी। इस वक्त हम पुणे बैंगलोर हाईवे, जो नेशनल हाईवे 4 कहलाता है, वहां पर हैं। ये लोर गांव है और यहां पर अब भारी तादाद में जो मेरे पीछे बसेस देख रहे हैं और ये लोग जो खड़े हैं यहां गाड़ियों को चलाते हैं, ये 5 दिनों से यहां इंतजार कर रहे हैं कि कब आगे कोल्हापुर का जो रास्ता है वो खुलेगा, पंचगंगा नदी की जो बाढ़ आई हुई है उसका पानी कम होगा और उसके बाद ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। सेना की टीम लगातार लोगों की मदद में लगी है। रेस्क्यू टीम ने एक गर्भवती महिला को बचाया। महाराष्ट्र के शिरोल में तो मदद के लिए सेना को लाव लश्कर के साथ उतरना पड़ा। पूरा इलाका डूबा हुआ है, पानी घर घर में घुस आया, न रहने का ठिकाना न बाहर निकलने का रास्ता। सांगली से पंकज खेलकर और कोल्हापुर से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक।